नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अदम्य साहस और देश से जोश से भरपूर देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया। जनरल रावत के लंबे मिलिट्री करियर में उनके साथ ये कोई पहला हेलीकॉप्टर हादसा नहीं था, लेकिन तब उन्होंने मौत को मात दी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका और उन्होंने देश को अलविदा कह दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहली गोली हमारी नहीं होगी, पर उसके बाद हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। एक लंबे अरसे के बाद सेना के शीर्ष अधिकारी की जुबानी ऐसी भाषा देश ने सुनी थी। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर भारत की रक्षा में सेना की वर्दी पहनने वाला वो जाबाज योद्धा जिसके बॉर्डर पर लिए गए फैसले से पड़ोसी दुश्मनों के भी दिल दहलने लगते थे। अडिग, अविचल, अभय से भरपूर एक ऐसा योद्धा जिसके फैसले और किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। एक ऐसा हीरा जिसकी देश के हित में खरी खरी बोलने से ही दुश्मनों की आंखों में डर साफ दिखता था। ऐसे ही योद्धा थे सीडीएस जनरल विपिन रावत, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। 8 दिसंबर 2021, देश के लिए एक ऐसा दिन जो कोई भारतीय भूले नहीं भूलेगा। सब कुछ हर दिन की तरह सामान्य चल रहा था, तभी तमिलनाडु के कुन्नूर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। वो खबर थी एक विमान क्रैश की, जिसमें देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी सवार थे। जब ये खबर सामने आई कि चीफ ऑफ डिफेंस का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो पूरे देश की निगाह उस वक्त बस इसी हादसे पर थम गई। सभी उस विमान में शामिल सीडीएस रावत, उनकी पत्नी और अधिकारियों की कुशलता की दुआ करने लगे। जब ये हादसा हुआ, उस दौरान सीडीएस विपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी और सेना के अन्य अधिकारी भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। हादसा इतना धमाकेदार था कि हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। हर कोई जाबाजों की सुरक्षा की दुआ मांग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हर शख्स ये भी जानना चाहता था कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। दोपहर से ही इस खबर को लेकर पूरे देशवासी परेशान थे और ये प्रार्थना कर रहे थे कि कोई अनहोनी ना हो गई हो। लोग पल पल की अपडेट पर नजर गड़ाए हुए थे और यही मान रहे थे कि सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य विमान में सवार लोग सकुशल हो, कोई अनहोनी ना हो जाए। लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी और प्रार्थना का दौर शुरू हो गया। शुरुआत में दो लोगों के इस क्रैश में मारे जाने की खबर सामने आती है और धीरे धीरे डर का माहौल बनने लगता है। संख्या बढ़ती जाती है और लोगों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा बना रहता है। अभी भी प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी के लिए लोग दुआएं कर रहे थे और ये कामना कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित बच जाएं। जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है उन्हें डॉक्टर कुछ भी करके बचा ले। लेकिन शाम होते ही जिस खबर को देशवासी सुनना नहीं चाहते थे, वही खबर सामने आई। देश के बहादुर योद्धा सीडीएस जनरल विपिन रावत को देश ने खो दिया। किसे पता था कि वीर योद्धा सीडीएस विपिन रावत की ये आखिरी उड़ान होगी।
दुश्मनों से लड़ने वाले, निडर रहने वाले, कभी कोई जंग ना हारने वाले सीडीएस विपिन रावत जीवन की जंग हार गए। जिसने सुना उसकी आंखें नम हो गई। कोई इस खबर को सच मानना ही नहीं चाहता था, लेकिन सच यही था, देश ने अपने अनमोल हीरे को खो दिया। विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ। विपिन रावत के पिताजी एलएस रावत भी फौज में थे और उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल एलएस रावत के नाम से पहचाना जाता था। तो ये कहना बिल्कुल जायज था कि सीडीएस रावत को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनका बचपन फौजियों के बीच ही बीता और इनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई। उसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया और देहरादून चले आए। यहां उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें पहला सम्मान पत्र मिला, जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करने का मन बनाया और वो अमेरिका चले गए। यहां उन्होंने सर्विस स्टाफ कॉलेज में ग्रेजुएट किया, साथ में उन्होंने हाई कमांड कोर्स भी किया। 16 दिसंबर 1978 में विपिन रावत ने गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन से अपनी शुरुआत की थी। रावत के पिता भी अपने समय में इसी यूनिट में थे। रावत को 1 सितंबर 2016 को भारतीय थल सेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया। 2016 में रावत की काबिलियत को देखते हुए उन्हें भारतीय सेना प्रमुख बना दिया गया था। गोरखा ब्रिगेड से सेना प्रमुख बनने वाले रावत 5वें अफसर थे। रावत के पास काफी अनुभव था। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर के जगहों पर लंबे समय तक काम किया था। अहम इलाकों में काम करने की वजह से उन्हें ज्यादा तरजीह दी जाती थी। कमांडर की भूमिका में विपिन रावत ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी। ये स्ट्राइक 2015 में की गई थी, जब मणिपुर में आतंकी हमले की वजह से 18 सैनिक शहीद हुए थे। इसके पलटवार में 21 पैरा के कमांडरों ने म्यांमार सीमा पार जाकर एनएससीएन नाम के आतंकी संगठनों के कई आतंकियों को मार गिराया था। रावत को देशभक्ति विरासत में मिली थी। उन्होंने उरी, जम्मू और कश्मीर सोपोर जैसी जगह पर सेना में मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर आदि पोस्ट पर सालों तक अपनी सेवा दी। सितंबर 2016 को उनको सेना में उप प्रमुख बनाया गया, जिसके बाद सरकार ने उन्हें देश का 27वां आर्मी चीफ बनाया। विपिन रावत में निर्णय लेने की बेहतरीन काबिलियत थी और एक बार डिसीजन लेने के बाद उस पर हर हाल में टिके रहने को जीवन का बेहद महत्वपूर्ण अनुशासन मानते थे। रावत की कुशलता और तजुर्बे को देखते हुए सरकार ने उन्हें 1 जनवरी 2020 को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस पोस्ट बनाने का ऐलान किया था। इससे पहले देश में सीडीएस जैसी कोई पोस्ट नहीं थी। विपिन रावत ने देश के हित में तो अपना अहम योगदान दिया ही है। वो मनोरंजन जगत की उन फिल्मों के मंच पर भी मौजूद रहे जो राष्ट्र प्रेम के नाम थी। कारगिल में 22वें कारगिल दिवस के मौके पर फिल्म शेरशाह का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। जनरल विपिन रावत भी इस खास मौके का हिस्सा थे। शेरशाह से पहले जनरल विपिन रावत उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म की टीम से भी मिल चुके हैं। सेना दिवस के मौके पर उनके घर पर आयोजित एक समारोह में फिल्म की कास्ट एंड क्रू पहुंची थी। इसमें विक्की कौशल, यामी गौतम, निर्देशक आदित्य धर और निर्माता रोनी स्क्रू वाला भी शामिल थे।
केंद्रीय मंत्री निर्मला ने फोटो शेयर कर ट्वीट किया कि सेना दिवस पर विपिन रावत के घर फिल्म उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक की टीम के साथ विपिन रावत की ये मुलाकातें इस बात का उदाहरण थी कि वो देश के असली हीरो पर बनी फिल्मों को दर्शकों के सामने रखने में हमेशा आगे रहे। प्लेन क्रैश की घटनाएं तो काफी होती रहती हैं, लेकिन एक ही इंसान के जीवन में ऐसा कई बार हो ऐसा कम ही मुमकिन होता है। ये पहली बार नहीं था जब विपिन रावत प्लेन क्रैश का शिकार हुए थे। ये घटना 5 फरवरी 2015 की है। विपिन रावत को सीडीएस साल 2016 में नियुक्त किया गया था। तब लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत सेना की नागालैंड के दिमापुर स्थित 3 कोर के हेडक्वार्टर्स के प्रमुख का पद संभाल रहे थे। दिमापुर से रावत अपने चीता हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकले, लेकिन कुछ ऊंचाई पर उनके चॉपर का नियंत्रण खो गया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जाता है कि हादसे के पीछे इंजन फेल होने का कारण था। उस वक्त हमारे जाबाज सीडीएस विपिन रावत ने मौत को मात दी। उस वक्त उन्हें मामूली चोटें आई थी, तब वो मौत के मुंह से खुद को बाहर खींच लाए थे। उस वक्त सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि हेलीकॉप्टर जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। इस दौरान सिंगल इंजन के इस चॉपर में कुछ गड़बड़ी आ गई और इसके दौरान दोनों पायलटों का नियंत्रण छूट गया, लेकिन क्रैश में किसी की भी जान जाने की खबर नहीं आई थी। इस घटना में भी वायुसेना ने उच्च स्तरीय जांच बिठाई थी। विपिन रावत ने अपनी जिंदगी के अहम 37 वर्ष आर्मी को दिए। सीडीएस विपिन रावत के असामयिक निधन से लोग गमगीन हैं, आंखें नम हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले देश का सेना नायक इस तरह एक हादसे में चला गया, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा है। इसके अलावा देश उन 12 दूसरे अफसरों को भी श्रद्धांजलि दे रहा है जो इस हेलीकॉप्टर हादसे में असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब हमारे बीच इन अफसरों के किस्से और कहानियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आज भले ही भारत ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को खो दिया है, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख और जज्बा आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा है और वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।